चंडीगढ़ के उस आस पास के इलाकों दोबारा तो एक बार मौसम ने करवट बदल ली है। तुम्हें दस दी है कि सवेर तो ही जी बारिश हो रही है, ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि मोहाली, पंचकूला, हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों से भी जो है वो मौसम इस तरीके देखने को मिल रहा है। पर लोगों के मन च यह है कि वाकई मानसून है या पिछले महीने की जिस तरीके वैस्टर्न डिस्टर्बेंस हुई सी उही वैस्टर्न डिस्टर्बेंस जी वो चल रही है इस वक्त साढ़े नाल वैदर डिपार्टमेंट शैलेंद्र जी ने। सर सब तो पहला क्योंकि जिस तरीके से असं देख रहे हैं कि मौसम जो करवट बदल रहा है, हर दूजे दिन जो है वो बारिश हो रही है, वधिया गल है, ठंड जी पै रही है गर्मी के मौसम च, पर इस तरीके पहला पैंदी नहीं सी कदे पर हुण पै रही है, कारण की है इहदा? देखिए जो मेनली अगर आप टेम्परेचर्स की बात करें तो टेम्परेचर्स में हमने देखा है कि जो कॉन्टिन्यू जैसे हमने कहा बारिश कुछ दिनों में आती है, एक स्पेल में आती है, जो हमारा कॉन्टिन्यूस हीटिंग पीरियड मिलता है, जो हमको क्लाउड फ्री टाइम मिले तो क्लाउड फ्री में हमको हीटिंग होता है, तो हमको ज़्यादातर इस बार मई के मंथ में भी और जून के मंथ में भी वो जो हमारा है वो टाइम हम नहीं मिला इतना सब सिग्निफिकेंट जिसमें हमारा एक ड्राई स्पेल रहा हो और हीटिंग हो सके, तो इसलिए ओवरऑल जो टेम्परेचर्स हैं वो काफ़ी नीचे रहे हैं। सर जो गल करिए क्योंकि ये प्री मानसून कहा जाए इनू या जिस तरीके पिछले महीने तो वैस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रही थी, ये वैस्टर्न डिस्टर्बेंस काउंट होती है? देखिए एक्चुअल में ये प्री मानसून का मैं आपको समझा देता हूँ, जो प्री मानसून होता है कि मानसून से पहले जब हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आ जाता है तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहती है, और जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस दौरान आ जाए तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ जाती है और बारिश एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसको ऐसे कैटेगराइज हम नहीं करते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश है, प्री मानसून की बारिश है। आने वाले 3 से 4 दिन में भी हम देखेंगे कि रेनफॉल की इंटेंसिटी में काफ़ी रिडक्शन होगी, तो आने वाले 3 से 4 दिन में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मानसून आगे एडवांस करेगा, पर हाँ ये जो मानसून एडवांसमेंट उत्तर प्रदेश रीजन में अगर एडवांसमेंट होता है वहाँ हमको अच्छी बारिश मिलती है और कंटिन्यूटी में हमको बारिश मिलती है बाकी रीजन्स में भी, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारा उत्तर प्रदेश में रेनफॉल कैसी होती है, मध्य प्रदेश में कैसी होती है, वहाँ से ही नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून फिर आगे प्रोग्रेस करता है, तो अगर वहाँ पे हमको रेनफॉल अच्छी मिलती है और कंटिन्यूटी मिलती है रेनफॉल की तो हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, पर आने वाले 3 से 4 दिन में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो बारिश अभी चल रही है ये शाम तक ये बारिश के हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा साफ़ हो जाएगा, जो हमारा अभी क्लाउडिंग जितना भी हो रखा है और जिन मेरी बारिश हो रही है शाम तक आते आते ये बारिश हमारी जो रेनफॉल एक्टिविटी थम जाएगी। पर यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन तक 2 से 4 दिन तक जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा पर 38 के बियॉन्ड जो है वो नहीं जाएगा। कैमरा अंकुर के नाल बजम वर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।